चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्री गुरो श्रीयुतः पदकमलम श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्री वार्षभानवी देवी दयिताय कृपादये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देशस्य जनप्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्त्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर्पंगोर्मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदन मोहनो दिव्यानंदावण्यकल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरासीमासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविंददेवो प्रेष्टालभे सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमागासरसारम्भी वंशीवटतटस्थता कर्शन्वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों से संवाद करते हैं। तो हमने देखा कि महाप्रभु मुकुंद ये जो तीन ये परिवार के तीन जन हैं मुकुंद रघुनंदन और नरहरि सरकार। तो महाप्रभु इन तीनों को अलग अलग उपदेश देते हैं। तो महाप्रभु रघुनंदन को बोलते हैं कि आप विग्रहों की सेवा करो। महाप्रभु मुकुंद को बोलते हैं कि आप धन कमाओ क्योंकि वो वैद्य थे। आप धन कमा के ये आंदोलन की सेवा करो। और नरहरि सरकार को बोलते हैं आप यहाँ पे रह के मेरी मदद करना प्रचार कार्य करने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं ये तीनों अलग अलग कार्य दिखते हैं पर एक्चुअली ये तीनों एक ही हैं क्योंकि भगवान की सेवा में जो भी कार्य हो अल्टीमेट पर्पस वही है ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को और बढ़ाना। और हमने मुकुंद का महाप्रभु मुकुंद का गुणगान करते हैं उसके बारे में हमने सुना कि कैसे मुकुंद जो है भगवान के इतने महान भक्त थे हालांकि बाहर दृष्टिकोण से वैद्य थे पर एक्चुअली कृष्ण के बहुत महान भक्त थे हमेशा कृष्ण के स्मरण में थे। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि वैष्णवों को बाहर दृष्टिकोण से पहचानना नहीं चाहिए जज नहीं करना चाहिए क्योंकि हम समझ नहीं सकते कोई गृहस्थ भी होगा सरकारी नौकरी कर रहा होगा पर महान वैष्णव हो सकता है। और हमने ये भी सुना था उसके पहले महाप्रभु कुलीन ग्राम के निवासी से मिलते हैं
और यहां से हमने ये कल का प्रसंग शुरू किया था। सत्यराज खान महाप्रभु को पूछते हैं वैष्णव कौन है, पूज वैष्णव, और महाप्रभु बताते हैं जो भगवान के नामों का उच्चारण एक बार भी करते हैं वो वैष्णव है, लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। तो आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज टेक्स्ट 133, मध्य लीला चैप्टर 15। सर्वभौम विद्या वाचस्पति दुई भाई, दुई जने कृपा करी कहने गोसाई। तो अभी महाप्रभु किसकी ओर देखते हैं? सर्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वाचस्पति, ये दोनों भाई थे। तो महाप्रभु अभी इनको आज्ञा दे रहे हैं और कृपा दे रहे हैं। दारू जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति, दर्शन स्नाने करे जीवेर मुकटी। तो महाप्रभु बोलते हैं कलयुग में भगवान दो रूप में आते हैं, दारू, दारू करते हैं लकड़ी के रूप में, और जल पानी के रूप में। और ये दोनों रूप में भगवान जो है लोगों का उद्धार करते हैं, लोगों को मुक्ति देते हैं। तो जो दारू ब्रह्म का दर्शन करता है या जगन्नाथ जी का दर्शन करता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, और जल रूप में मतलब गंगा, गंगा जो है भगवान है जल रूप में, तो गंगा में जो स्नान करता है उसको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम, भागीरथी हन साक्षात जल ब्रह्म सम। तो ये दारू ब्रह्म का अर्थ है जगन्नाथ, जगन्नाथ जो दारू या लकड़ी के रूप में आते हैं, श्री पुरुषोत्तम साक्षात भगवान है। और वही जब भगवान पानी के रूप में आते हैं उनको गंगा या भागीरथी बोलते हैं, लाइक दैट। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं अल्टीमेटली सब कुछ भगवान का ही है, भगवान का शक्ति सर्वव्याप्त है, सर्वकल इद ब्रह्म। तो ये वैदिक मंत्र है, सर्वकल इद ब्रह्म का अर्थ है सब कुछ ब्रह्मनी है, सब कुछ परम सत्य है। या और एक श्लोक है, परस्य ब्रह्मण शक्ति ततेदम अखिलम जगत, इसका अर्थ है सब कुछ ये ब्रह्म ज्योति से ही आता है। या भगवान गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्तानि सर्वभूतानि नाचम तेषु अवस्थित। सो आई परवेटी एंटायर यूनिवर्स, सब कुछ भगवान का ही विस्तारित रूप है। पर खासकर हालांकि सब कुछ भगवान का ही शक्ति है, पर भगवान जब विग्रह के रूप में आते हैं उसमें भगवान का एक अलग अनुभव होता है। या भगवान जब गंगा के रूप में आते हैं वो भी भगवान की शक्ति है, पर भगवान का पर्सनल प्रेजेंस है ये गंगा नदी में। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, इन दिस एज द लॉर्ड इज मैनिफेस्टेड थ्रू वुड एज जगन्नाथ। ये कलयुग में भगवान दारू के रूप में आते हैं जगन्नाथ के रूप में, और पानी के रूप में आते हैं तो गंगा होते हैं। तो क्योंकि ये दोनों भाई सर्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वचस्पति कहाँ पे रहते थे? एक्चुअली नवद्वीप में एक द्वीप है जिसका नाम है ऋतु द्वीप। तो ऋतु द्वीप में सर्वम भट्टाचार्य पहले रहते थे वहां पे, तो वहां पे उनका घर है। तो अभी सर्वम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी शिफ्ट हो गए। तो महाप्रभु क्या बोल रहे हैं सर्वम भट्टाचार्य को? बोल रहे हैं आप जगन्नाथ जी की सेवा करो, दारू ब्रह्म की सेवा करो, और विद्या वचस्पति क्योंकि नवद्वीप में है और नवद्वीप में गंगा बहती है, महाप्रभु विद्या वचस्पति को बोलते हैं क्या जल ब्रह्म की सेवा करो, गंगा की सेवा करो, लाइक दैट। सर्वभौम कर दारू ब्रह्म आराधन, वाचस्पति कर जल ब्रह्मेर सेवन। तो महाप्रभु इन दोनों का आज्ञा देते हैं, सर्वम भट्टाचार्य अब जगन्नाथ जी की सेवा करो, जगन्नाथ जी का आराधना करो, और वाचस्पति अब गंगा की सेवा करो। तो इस तरह से महाप्रभु इन दो भाइयों को आज्ञा देते हैं। अभी महाप्रभु मुरारी गुप्ता की ओर देख रहे हैं। ये मुरारी गुप्ता कौन है? मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार हैं महाप्रभु की लीलाओं में। तो अभी ये बहुत सुंदर संवाद है महाप्रभु का मुरारी गुप्ता के साथ। मुरारी गुप्तेर प्रभु करी आलिंगन, तार भक्ति निष्ठा कहेन सुने भक्तगण। तो महाप्रभु मुरारी गुप्ता को आलिंगन करते हैं और मुरारी गुप्ता के दृढ़ भक्ति के बारे में सब भक्तों को बताते हैं। पूर्वे आमी इहारे लोबाइला बार बार, परम मधुर गुप्त रजेंद्र कुमार। तो महाप्रभु सब भक्तों को बता रहे हैं, पहले क्योंकि जब महाप्रभु नवद्वीप में थे मुरारी गुप्ता भी वहीं पर रहते थे, हाँ पड़ोसी थे लगभग। तो महाप्रभु सब भक्तों को बोल रहे हैं, पहले मैं मुरारी गुप्ता को लोभित करता था, बार बार मुरारी गुप्ता को बोलता था, हे मुरारी गुप्ता आप राम की पूजा क्यों कर रहे हो, आप कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की भक्ति करो। तो महाप्रभु बोलते थे, हे मेरे प्रिय गुप्त, कृष्ण व्रजेंद्र नंदन है और मधुर है,
मिठास कृष्ण में पूर्ण रूप से भरा है। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वांशी सर्वाश्रयी विशुद्ध निर्मल प्रेम सर्व रसमय। तो महाप्रभु मुरारी गुप्ता को बोलते थे कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान राम भी भगवान है पर कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। एते च अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो कृष्ण इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। स्व सर्वांशी सर्वाश्रय, उनसे सब अवतार आते हैं, सबके स्तोत्र कृष्ण है। और भगवान कृष्ण विशुद्ध निर्मल प्रेम, भगवान कृष्ण पूर्ण प्रेम से भरे हैं और रस के खान है या रस के मूर्तिमान स्वरूप है। सकल सद्गुण वृंद रत्न रत्नाकर विदग्ध चतुर धीर रसिकेर शेखर। तो कृष्ण के अंदर सब गुण है, सकल सद्गुण वृंद ऑल गुड क्वालिटीज, रत्न रत्नाकर ऑल कृष्ण एक खान है, माइन है रत्नों के, इज अ माइन ऑफ गुड क्वालिटीज। और कृष्ण विदग्ध, विदग्ध करता है बहुत बुद्धिमान, चतुर करता है वेरी एक्सपर्ट, धीर वेरी सोबर, और रसिक शेखर, रसिक शेखर करता है जितने भी अलग अलग रस हैं उनमें आनंद लेने वाले। मधुर चरित्र कृष्णेर मधुर विलास चातुर्य वैदग्ध करे यार लीला रास। तो कृष्ण का चरित्र भी मधुर है और कृष्ण की लीलाएं भी मधुर है, और कृष्ण बहुत बुद्धिमान है और बुद्धिमत्ता से अपना लीलाएं करते हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण सब लीलाओं में आनंद लेते हैं, यार लीला रस लाइक दैट। इस तरह से महाप्रभु मुरारी गुप्ता को बोलते थे, और मुरारी गुप्ता को बोलते थे आप कृष्ण की भक्ति करो। से कृष्ण भजो तुमी आओ कृष्णाश्रयी कृष्ण बिना अन्य उपासना मने नाहीं लय। तो इस तरह से महाप्रभु मुरारी गुप्त को बोलते हैं आप कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण का आश्रय लो, क्योंकि मेरे लिए, महाप्रभु बता रहे हैं, मेरे लिए कृष्ण के अलावा मुझे और किसी को उपासना नहीं करना है, देयरफॉर वर्शिप कृष्णा। तो इस तरह से महाप्रभु किसको बता रहे हैं, मुरारी गुप्ता को कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुरारी गुप्ता राम के भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता को कृष्ण के भक्ति की ओर लेके आ रहे हैं। ए मतलब बार बार सुनिया वचन अमार गौरवे किचू फिरी गेला मन। तो इस तरह से महाप्रभु जब बार बार मुरारी गुप्ता को बोल रहे थे तो मुरारी भगवान के चैतन्य महाप्रभु के संग से मुरारी गुप्ता का मन थोड़ा फिर जाता है, मतलब उनको थोड़ा इंक्लिनेशन होता है कृष्ण भक्ति करने के लिए। अमार कहीं न आमी तुम्हार किंकर तुम्हार आज्ञाकार आमी नाही स्वतंत्र। तो मुरारी गुप्ता चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं मैं तो आपका किंकर हूं, मुझे तो आपके आज्ञा का पालन करना ही है, हालांकि मुझे राम के प्रति आसक्ति है पर आप बोल रहे हो कृष्ण भक्ति करो, डेफिनेटली मैं कृष्ण भक्ति करूंगा क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं आप पे निर्भर हूं। तो ये बोल के मुरारी गुप्ता अपने घर चले जाते हैं। एत बलि घरे गेला चिंती रात्रि काले रघुनाथ त्यागे चिंताएं वही विकले। तो मुरारी गुप्ता घर जाते हैं और रात भर चिंता चिंतन कर रहे हैं कि मुझे कृष्ण भक्ति करना है। तो अभी कृष्ण भक्ति करना है तो मुरारी गुप्ता को क्या छोड़ना पड़ेगा, भगवान राम का संग छोड़ना पड़ेगा, भगवान राम को त्यागना पड़ेगा, रघुनाथ त्याग। तो ये सोच के ही मुरारी गुप्ता इतने मतलब एंग्जाइटी में आते हैं कि मैं राम को कैसे छोड़ू, इतने सालों से मैं राम का भक्ति कर रहा हूं। कीमन चाड़ी ब रघुनाथ तेरा चरण आजी रात्रि प्रभुर मोर करह मरण। तो मुरारी गुप्ता प्रार्थना कर रहे थे मैं अभी क्या करूं, मैं महाप्रभु के आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान राम के चरण को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इससे अच्छा है आज रात को ही मैं मर जाऊं, क्योंकि वेरी डिफिकल्ट, मैं भगवान राम को छोड़ नहीं पाऊंगा, उससे अच्छा है मैं आज रात को ही मर जाऊं। इस तरह से पूरे रात भर मुरारी गुप्ता रो रहे थे। ए मत सर्वरात्रि करे न क्रंदन मने सोयास्ति नाही रात्रि कैला जागरण। तो इस तरह से मुरारी गुप्ता रात भर रो रहे हैं, मन को रेस्ट ही नहीं है, राइट, नो रेस्ट, रात भर जागे हुए रो रहे हैं, रो रहे हैं। प्रातः काले आसी मोर धरीला चरण कांदीते कांदीते किचु करे निवेदन। तो महाप्रभु सब भक्तों को बता रहे हैं अगले दिन सुबह मुरारी गुप्ता चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। अगर आप सब लोग मायापुर गए हैं तो जो महाप्रभु का घर है योगपीठ, उसके बिल्कुल पीछे मुरारी गुप्ता का घर है। तो मुरारी गुप्ता सुबह महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं और महाप्रभु के चरण पे गिर के एक निवेदन सबमिट करते हैं।
রঘুনাথের পায় মুনি বিছিয়ান মাতা, খাড়িতে না পারি মাতা মনে পায় ব্যথা। মুরারি গুপ্ত বলতে হ্যাঁ, মানে আপনা সর বেচ দিয়া হ্যায় রঘুনাথ কে চরণ মে, তো ইসলিয়ে উনকো ত্যাগনা অসম্ভব হ্যায়, মে আপনা যো সর হ্যায় বাপস লে নেই সকতা। আই ক্যানট গিভ আপ দ্য লোটাস ফিট অফ রামচন্দ্র। শ্রী রঘুনাথ চরণ ছাড়ন না যাই, তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করো উপায়। তো মুরারি গুপ্তা বলতে হ্যায় মে দোনো তরহ সে ফস গিয়া হুঁ, মে রঘুনাথ কে চরণ কো ছোড় নেই পা রহা হুঁ, অর অগর মে আপকে আজ্ঞা কা পালন নেই করুঙ্গা ও ভি অপরাধ হ্যায়। তো মুরারি গুপ্ত বোল রহে হ্যায় মে রামচন্দ্র ভগবান রাম কো ছোড় দুঙ্গা ও ভি অপরাধ হ্যায়, মহাপ্রভু কে আজ্ঞা কা পালন নেই করুঙ্গা ও ভি অপরাধ হ্যায়, তো ক্যা করুঁ। তাতে মোর এই কৃপা কর দয়াময়ী, তোমার আগে মৃত্যু হউ ইয়াহু সংশয়। তো মুরারি গুপ্তা চৈতন্য মহাপ্রভু কো বোল রহে হ্যায় প্লিজ আপ মেরে উপর এক কৃপা কিজিয়ে, আজ মুঝে মরণ দে দিজিয়ে, লেট মি ডাই নাও, তো মেরা সঞ্চয় সব খতম হো জায়েগা, ইউ নো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ লাইক দিস। মতলব ইয়াহাঁ পে হাম দেখতে হ্যায় মুরারি গুপ্তা কিতনে সিনসিয়ার হ্যায়, সচ্চে সিনসিয়ার ডিভোটি, সিনসিয়ারলি আ রহে হ্যায় অর সিনসিয়ারলি বতা রহে হ্যায় মহাপ্রভু কো মে প্রয়াস কর রহা হুঁ পর মে কর নেই পা রহা হুঁ, বেটার আই ডাই হিয়ার। এ তো শুনি আমি বড়া মনে সুখে পাইলুন, यहाँ रे उताने तभी आलिंगन कही लो। तो महाप्रभु भक्तों को बोल रहे हैं ये सुन के मैं इतना सुखी हो जाता हूँ, मैं मुरारी गुप्त को उठा के मैंने आलिंगन किया। साधु साधु गुप्त तुमार सुदृढ़ भजन, अमार वंचेन तुमार ना तालील मन। महाप्रभु बोलते हैं साधु 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 करते हैं, ऑल ग्लोरियस टू यू, आपका जय जयकार हो, आप इतने बढ़िया भक्त हो, आप सही में साधु हो। क्यों? क्योंकि आपका सुदृढ़ भजन, आपका जो भक्ति है इतना फर्मली फिक्स्ड है भगवान राम के चरण में, तो मैंने इतना प्रयास किया मेरे कहने पे भी आपने भगवान राम को नहीं त्यागा, आप धन्य हो, आप बहुत महान भक्त हो। यही मत सेवे केर प्रीति चाही प्रभु पाए, प्रभु चाड़ी लेन पद चाड़न न आए। तो महाप्रभु बोलते हैं ये ऐसे सेवक होने चाहिए जो भगवान के चरण कमल को कभी नहीं छोड़ दे, दे नेवर गिव अप द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, कौन सा भी परिस्थिति हो दे डोंट गिव अप। अगर भगवान भी चाहे, अगर भगवान भी अपने भक्तों को त्यागते हैं, भक्त जो है भगवान के चरण कमल पर नहीं त्यागते, इवन इफ कृष्णा लीव्स द डिवोटीज डोंट लीव। तो ये मुरारी गुप्त का दृढ़ भक्ति था। तो महाप्रभु ये हर एक भक्त से कुछ ना कुछ हमको लेसन सिखा रहे हैं, इज टीचिंग अस वन लेसन और द अदर। तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं मुरारी गुप्ता से कि कैसे सेवक को भक्त को भगवान के चरण पर इतना विश्वास, इतना आसक्ति होना चाहिए कुछ भी हो जाए, अ डिवोटी शुड नॉट गिव अप द फीट ऑफ कृष्णा, प्रभु चाड़ी लेन पद चाड़न न आई, वन शुड नॉट गिव अप। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं मुरारी गुप्ता इज द एग्जाम्पल ऑफ अनअलॉयड डिवोशन। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, और मुरारी गुप्ता अनन्य भक्ति के उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कहने पे भी भगवान राम के चरण कमल को नहीं छोड़ा। चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में दो बहुत सुंदर श्लोक आते हैं, वेरी ब्यूटिफुल श्लोक, मेडिटेट करने के लिए, स्मरण करने के लिए। सही भक्त धन्य ये ना चाड़े प्रभु र चरण, सही प्रभु धन्य ये ना चाड़े निज जन। ये बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत के। तो यहाँ पे वर्णन है सही भक्त धन्य, वो भक्त धन्य है जो भगवान के चरण कमल को नहीं छोड़ता, कुछ भी हो जाए भगवान के चरण कमल को नहीं छोड़ेगा, और वो भगवान धन्य है जो अपने भक्तों को नहीं त्यागते, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो ये दोनों के अंदर प्रेम है, भक्त जो है कौन सा भी परिस्थिति में भगवान को नहीं त्यागते, और भगवान जो है कौन से भी परिस्थिति में अपने भक्तों को नहीं त्यागते। दुर्दैव सेवक यदि याय अन्य स्थाने, सही ठाकुर धन्य तारे चुले दरी आने। अगर दुर्दैव से भगवान के जो भक्त हैं, सेवक हैं, भगवान को छोड़ के जाते हैं, वो भगवान धन्य है, वो ठाकुर धन्य है जो ऐसे भक्तों को वापस लाते हैं। तो ये भगवान की असीम कृपा है, अगर भक्त जो है किसी कारणवश, क्योंकि माया तो बहुत शक्तिशाली है, किसी कारणवश अगर भक्त भगवान के चरण कमल को छोड़ के जाते हैं, भगवान उनको शिका पकड़ के
वापस लेके आते हैं। इस तरह से महाप्रभु मुरारी गुप्ता का गुणगान कर रहे हैं। ऐ मत तुम्हार निष्ठा जानी बार तरे, तुम्हारा आग्रह आमी कैलून बारे बारे। तो महाप्रभु बोलते हैं जस्ट टू टेस्ट यू, आपके भक्ति को टेस्ट करने के लिए, आपके श्रद्धा को टेस्ट करने के लिए मैंने बार बार आपके आपके साथ ये विनती रखा कि रामचंद्र को छोड़ो कृष्ण के भक्त बनो, लाइक दैट। सो महाप्रभु वॉन्टेड टू टेस्ट। तो वैसे हमारी जिंदगी में भगवान अलग अलग टेस्ट भेजेंगे, अलग अलग परिस्थिति भेजेंगे, अलग अलग प्रलोभन भेजेंगे कि हम भक्ति करते हैं क्या, भगवान के चरण कमल को त्यागते हैं। सो वी हैव टू बी रेडी टू पास दिस टेस्ट। साक्षात हनुमान तुम्ही श्री राम किंकर, तुम्ही केने चाड़ीबे तार चरण कमल। तो महापुरुष इस तरह से बोलते हैं, मुरारी गुप्ता को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, अभिनंदन व्यक्त करते हैं और बोलते हैं आप साक्षात हनुमान जी हो, यू आर एक्चुअली हनुमान जी, आप भगवान राम के नित्य किंकर हो, तो इसलिए आपको भगवान राम को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जब कृष्णानंद प्रभु आए थे 2-3 दिन पहले की क्लास में, तो कृष्णानंद प्रभु वर्णन कर रहे थे, जब महाप्रभु आगे जाके महाप्रकाश लीला करते हैं मायापुर में श्रीवास आंगन में, तब तो महाप्रभु मुरारी गुप्ता को बुलाते हैं और मुरारी गुप्ता के सामने चैतन्य महाप्रभु भगवान राम बन जाते हैं और मुरारी गुप्ता जो है हनुमान जी बन जाते हैं, उनके पीछे एक पूंछ भी आ जाता है। तो इस तरह से महाप्रभु मुरारी गुप्ता का गुणगान कर रहे हैं। सही मुरारी गुप्त ही मोर प्राण सम, यहार दैन्य सुनी मोर फटा ये जीवन। तो महाप्रभु बोलते हैं ये मुरारी गुप्ता मेरे प्राण के समान है, इज लाइक माई लाइफ एंड सोल, मेरे प्राण के समान है, और उनके नम्रता को देख के मेरे अंदर व्यथा होती है। तो ये भक्तों का लक्षण है। तो हम देखते हैं मुरारी गुप्ता के कहानी में कैसे मुरारी गुप्ता जो है पहले तो भगवान के चरण कमल पे उनको बहुत आसक्ति है, और दूसरे बहुत सिंसियर है, हालांकि वो भगवान राम को छोड़ना नहीं चाहते, पर जब महाप्रभु बोलते हैं कृष्ण का भक्त बनो, प्रयास करते हैं, ही ट्राइज टू चैंट कृष्णास नेम, इज वेरी वेरी सिंसियर, और कर नहीं पाते तो आके महाप्रभु को बोलते हैं मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं अपना जिंदगी त्यागू। सो महाप्रभु सेइंग दिस इज द ह्यूमिलिटी ऑफ मुरारी गुप्त। तो ऐसे भगवान के महान भक्त होते हैं जो इतने नम्र हैं, या सो हम्बल। तो ये मुरारी गुप्ता का नम्रता था। अभी महाप्रभु वासुदेव दत्त की ओर आते हैं, वासुदेव दत्त की महानता। तबे वासुदेव प्रभु करी आलिंगन, तार गुण कहे हान सहस्र वदन। उस समय चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त को आलिंगन करते हैं और महाप्रभु ऐसा गुणगान करते हैं वासुदेव दत्त का जैसे उनके मानो उनके हजारों मुख हो। मतलब ये पूरे अध्याय में हम देख रहे हैं महाप्रभु कितने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम भक्तों का गुणगान करते हैं उसमें कंजूसी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? पैसे देने में कंजूसी हो सकता है, पर किसी का गुणगान करना, किसी को अप्रिशिएट करना, उसमें तो कंजूसी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? दिल खोल के किसी का गुणगान करना चाहिए। तो महाप्रभु वो वासुदेव दत्त का इतना गुणगान करते हैं मानो उनके हजारों मुख हो। निज गुण सुनी दत्त मने लज्जा पान, निवेदन करे प्रभु चरणे धरिया। तो जब महाप्रभु वासुदेव दत्त की गुणगान कर रहे हैं, वासुदेव दत्त को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है? नहीं, वासुदेव दत्त को बहुत लज्जा हो रही है, इज फीलिंग वेरी एम्बेरस्ड। तो जब कोई हमारा गुणगान करता है हमको कैसे लगना चाहिए? वी शुड फील वेरी एम्बेरस्ड, अरे क्या बोल रहे हैं ये। सो लाइक दिस इज द मूड ऑफ अवर डिवोटी। तो जब चैतन्य महाप्रभु वासुदेव दत्त का गुणगान करते हैं उस समय वासुदेव दत्त महाप्रभु के चरण कमल को पकड़ के एक निवेदन सबमिट करते हैं। जगत तारिते प्रभु तुम्हारा अवतार, मोर निवेदन एक कर अंगीकार। तो वासुदेव दत्त बोलते हैं हे भगवान, आपका अवतार हुआ है पतित लोगों का उद्धार करने के लिए, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, मेरा एक निवेदन है, प्लीज इसको स्वीकार कीजिए। तो ये ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करीते समर्थ तुम्ही आओ दया मई, तुम्ही मन कर तभी अन्यान अनाया से रही। तो वासुदेव दत्त बोलते हैं निवेदन सबमिट करने से पहले, वासुदेव दत्त बोल रहे हैं आप दयामय हो, आप डेफिनेटली मेरी इच्छा को पूरा कर सकते हो और असमर्थ भी हो। एक है दयामय होना, कृपालु होना, और तो दूसरा समर्थ होना। वासुदेव दत्त बोल रहे हैं आप समर्थ हो, आप अगर आपका इच्छा है तो डेफिनेटली आप मैं जो चाहता हूं आप पूरा कर सकते हो। सो वासुदेव दत्त का इच्छा क्या है? व्हाट इज द डिजायर ऑफ वासुदेव दत्त?
जीवेर दुख देखी मोर हृदय बिदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर शिरे। तो वासुदेव दत्त का ये प्रार्थना सुनो, इतना महान प्रार्थना। वासुदेव दत्त बोलते हैं, भगवान मैं जब जीवों का दुख देखता हूं मैं सहन नहीं कर पाता, आई कांट टॉलरेट, दूसरों के दर्द को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरा एक प्रार्थना है हे भगवान, सब जीवों के पाप को मुझे ट्रांसफर कर दो, मेरे अकाउंट में डाल दो, मेरे सर पे डाल दो सब जीवों के पाप को। और उनको क्या करना है, जीवेर पाप लन मुनि करो नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु गुचान भव रोग। तो वासुदेव दत्त बोलते हैं, भगवान आप बोलोगे मैंने सब पाप ले लिया तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, तो वासुदेव दत्त बोलते हैं मैं नित्य काल तक, शाश्वत काल तक नरक में रहने के लिए तैयार हूं, पर मेरा एक निवेदन है, ये सब बद्ध जीवों को आप गोलोक वृंदावन लेके जाओ, प्लीज टेक देम टू दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये वासुदेव दत्त का हृदय था, ये वासुदेव दत्त का प्रार्थना। ऐसा कोई माइका लाल है जो ऐसा प्रार्थना कर सकता है? एनीवन कैन प्रे लाइक दिस? जनरली हम जाते हैं भगवान के पास, अपने बारे में प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे दुख को निकालो, मुझे सुख दो, ये वो। कब हम जाके भगवान के पास दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? व्हेन डू वी प्रे लाइक दिस? तो ये है भगवान के महान भक्त जो अपने बारे में बोलते ही नहीं है, पर दुख दुखी, जो दूसरों के बारे में दूसरों के दुख को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद इतना सुंदर तात्पर्य देते हैं, सच ए ब्यूटिफुल पर्पोट। प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो तात्पर्य है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वर्णन करते हैं, क्रिश्चियन धर्म में, वेस्टर्न कंट्रीज में माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट पूरे जगत के गुरु हैं। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट आए हैं अपने शिष्यों के पाप को लेने के लिए। पर प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं जीसस क्राइस्ट वो किसके पाप को लेते हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं क्रिश्चियंस के पाप को लेते हैं, पर वासुदेव दत्त या हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्त किसके पाप को ले रहे हैं? ऐसा नहीं कि गौड़ी वैष्णवों के पाप को ले रहे हैं, नॉट लाइक दैट, और ऐसा भी नहीं कि भारतीयों के, इंडियंस के पाप को ले रहे हैं, ऐसा नहीं। वासुदेव दत्त बोल रहे हैं सबके पाप मुझे दे दो, कोई क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कीड़ा हो, कोई भी हो, कंपैशन फॉर सो मेनी पीपल। जीसस क्राइस्ट का कंपैशन वॉज फॉर क्रिश्चियंस, ह्यूमन बींग में से एक सेक्शन क्रिश्चियंस, पर वासुदेव का जो करुणा था सबके लिए था, सब जीवों के लिए। सो दिस वॉज द कंपैशन। तो प्रभुपाद लिखते हैं द कंपैशन, वासुदेव दत्त का जो दया है, करुणा है हरिदास ठाकुर, जीसस क्राइस्ट से हजारों लाखों गुना ज्यादा, मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर। सो दिस वॉट प्रभुपाद राइट्स हियर। सो प्रभुपाद सेज अ वैष्णव इज सो लिबरल दैट इज प्रिपेयर टू रिस्क एवरीथिंग टू रेस्क्यू द कंडीशन सोल्स फ्रॉम मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो हम बोलेंगे वासुदेव दत्त तो बहुत महान है, डेफिनेटली बहुत महान है, पर हमको उनके पंचनों पर चलना है, ठीक है नहीं? हमको भी थोड़ा बहुत प्रयास करना है दूसरों की मदद करने के लिए। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं वैष्णव कौन है, वैष्णव मतलब दयालु, वेरी वेरी लिबरल, उदार दिल का है। तो वैष्णव रिस्क लेने के लिए तैयार है, कष्ट लेने के लिए तैयार है, पीड़ा उठाने के लिए तैयार है, दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को भक्ति देने के लिए, दूसरों को भगवत धाम लेके जाने के लिए। तो वासुदेव दत्त इज यूनिवर्सल लव इटसेल्फ, ये है प्रेम। ये दुनिया में जो शब्द है प्रेम, एक्चुअली वो प्रेम है ही नहीं, काम है। प्रेम के नाम पे हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, स्वार्थ स्वार्थी है, पर असली प्रेम है निस्वार्थ, जहां पे व्यक्ति स्वयं कष्ट भुगतने के लिए तैयार है वह दूसरों को मदद करने के लिए। जैसे माँ होती है, माँ जो है इतनी पीड़ा उठाती है ताकि बच्चा खुश रहे, कभी कभी घर में खाना कम है तो माँ भूखी रहेगी पर बच्चे को खाना देगी। सो दिस इज लव, ये प्रेम होता है। तो वासुदेव दत्त इस पर्सोनिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सल लव। आजकल लोग बात करते हैं यूनिवर्सल लव, यू नो, प्रेम के बारे में। सो दिस इज वासुदेव दत्त, पूरे ब्रह्मांड से प्रेम है उनको, हर जीव से प्रेम है, और भगवान की सेवा में सब कुछ त्यागने के लिए तैयार। सो दिस इज व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेन्स हियर। तो प्रभुपाद बता रहे हैं जीसस क्राइस्ट जो हैं अपने फॉलोअर्स के सिंस को लेते हैं, पर जीसस क्राइस्ट ये नहीं बोलते कि मैं आपको भगवत धाम लेके जाऊंगा, क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं अपना सिंस जीसस क्राइस्ट को देते हैं, पर बाद में पाप भी कर सकते हैं, पाप करने का वृत्ति तो समाप्त नहीं होता,
हर व्यक्ति पाप करता है, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं क्रिश्चियन जो है कन्फेशन करते हैं फिर से वही पाप करते हैं। पर यहाँ पे वासुदेव दत्त चाहते हैं कि ये सब जीवों को भगवत धाम ही भेजा जाए, सो दैट दे कैन बी परफेक्टली हैप्पी देयर, नित्य रूप से खुश हो सके। सो प्रभुपाद राइट्स हियर, वासुदेव दत्त एग्जाम्पल इज यूनिक नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट विद इन द यूनिवर्स। वासुदेव दत्त का ये जो उदाहरण है उत्कृष्ट उदाहरण है, इसका तुलना हो ही नहीं सकता किसी से, ये दुनिया में छोड़ो ब्रह्मांड में भी नहीं हो सकता, दूसरा कोई वासुदेव दत्त नहीं है, दिस ओनली वन वासुदेव दत्त। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं वासुदेव दत्त को हमको साधारण नहीं मानना चाहिए, वो साधारण ज्ञानी नहीं है, साधारण भौतिकवादी व्यक्ति नहीं है, इज एन एग्जॉल्टेड सोल। एंड प्रभुपाद सेज हियर दिस इज नॉट एन एग्जैजरेशन, ये बड़ा चढ़ा के नहीं है, दिस इज परफेक्टली ट्रू। देर इज नो वन इन कंपेरिजन टू वासुदेव दत्त, वासुदेव दत्त जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। और ऐसे शुद्ध भक्तों के आगमन से ही ये दुनिया, ये जो ब्रह्मांड है सफल हो जाता है। सो प्रभुपाद सेज हियर इंडीड बाय हिज ट्रांसेंडेंटल प्रेजेंस द होल वर्ल्ड इज ग्लोरिफाइड एंड ऑल द कंडीशन सोल्स आर ऑल्सो ग्लोरिफाइड। तो ऐसे शुद्ध भक्त का दर्शन से ही, इनकी उपस्थिति से ही पूरे धरती को लाभ होता है। लेकिन ये धरती अभी भी चल रहा है क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त यहाँ पे अभी भी उपस्थित हैं, इन शुद्ध भक्तों के वजह से ही धरती चल रहा है, दिस वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। सो प्रभुपाद सेज जस्ट बाय अपीयरेंस, ऐसे जो भक्त हैं इनके आगमन से ही पूरा धरती धन्य हो जाता है, द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स सक्सेसफुल। तो ये वैष्णव होते हैं, वैष्णव का लक्षण क्या है, पर दुख दुखी, दूसरों के दुख को देख के दुखी होते हैं, उल्टा नहीं है, दूसरों के दुख को देख के सुखी नहीं होना है, वो वैष्णव नहीं है, दूसरों के दुख को देख के दुखी होना है, दिस इज अ वैष्णव। गौरांगेर संगी गने नित्य सिद्ध करी माने सेयाई व्रजेंद्र सुत पाश। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में लिखता है जो महाप्रभु के ऐसे शुद्ध भक्तों को नित्य सिद्ध मानता है डेफिनेटली वृंदावन की प्राप्ति करता है। सो प्रभुपाद राइट्स हियर जैसे महाप्रभु उदार दिल के हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, महाप्रभु हर व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, हर व्यक्ति को कृपा दे रहे हैं, तो वैसे ही महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो भी उदार दिल के हैं, दे ऑल रिप्रेजेंट द कंपैशन ऑफ महाप्रभु, भगवान की करुणा को रिप्रेजेंट करते हैं राइट। तो प्रभुपाद बता रहे हैं हम सबको धीरे धीरे वासुदेव दत्त के चरण में, चरण कमल पर चलते हुए हमको भी ऐसा करुणाशील वैष्णव बनना है। परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर वैष्णव थे, तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को 2005 में कैंसर डिटेक्ट हो गया, टर्मिनल कैंसर। बहुत इंटरेस्टिंग है, भक्ति तीर्थ महाराज के लिए उनके हीरो थे वासुदेव दत्त। तो एक बार भक्ति तीर्थ महाराज ने एक्चुअली भगवान से प्रार्थना किया था, ही प्रेड वेरी इंटेंसली टू गॉड, भगवान से प्रार्थना किया, भगवान क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज इस्कॉन में भ्रमण करते थे, बहुत सारे सेमिनार्स देते थे, भक्तों की मदद करते थे, और भक्ति तीर्थ महाराज देख रहे थे कि इस्कॉन में भी बहुत सारे भक्त कष्ट में है, दे आर ऑल सफरिंग सो मच। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने हृदय से भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान इस्कॉन के भक्तों के सब कष्ट को मुझे दे दो, लेट देम हैप्पीली प्रैक्टिस भक्ति। ये प्रार्थना के तुरंत बाद उनको कैंसर डिटेक्ट होता है, ही गेट्स कैंसर, और भक्ति तीर्थ महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए एक है ये प्रार्थना बोलना, बोलने के लिए बोलना भगवान दूसरों के कष्ट को दे दो, पर आई एम एक्चुअली आर वी रेडी फॉर इट, दूसरों के कष्ट को लेना मतलब यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। तो भक्ति तीर्थ महाराज ने प्रार्थना किया और प्रार्थना के रिजल्ट में जब उनको कैंसर मिला, ही वॉज एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, उनको लगा बहुत अच्छा, एटलीस्ट मैं किसी ना किसी रूप से भक्तों की सेवा कर पा रहा हूँ, एंड ही वेंट थ्रू दैट एंटायर फेज विद लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ऐसे भी भक्त हैं, है कि नहीं, हमारे वासुदेव दत्त तो आप बोल सकते हैं 500 साल पहले हैं, पर भक्ति तीर्थ महाराज इज अ वेरी रीसेंट एग्जाम्पल। सो इनके पच्चीनों पर चलते हुए दीज आर द ऐसे भाव उत्पन्न करना वैष्णवों का लक्षण है। तो जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं एक्चुअली समझते हैं, धीरे धीरे हम समझ पाते हैं कि वैष्णव कौन है, हु इज अ वैष्णव। लेकिन भारत दृष्टिकोण से तो हम वैष्णव हो गए हैं, तिलक हैं, कंठी हैं, ऑल दिस इज देयर, बट एक्चुअल क्वालिटीज उत्पन्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए तो सुनी महाप्रभु र चित्त द्रविला अश्रुकंप स्वर भंगे कहिते लागिला।
तो महाप्रभु जब वासुदेव दत्त के ये वाक्य को सुनते हैं, महाप्रभु का हृदय पिघल जाता है, बिकम सॉफ्ट, और महाप्रभु के आंखों से अश्रु बहता है, महाप्रभु कांपने लगते हैं और गदगदित वचन से महाप्रभु बोलते हैं, मतलब इतना करुणा था वासुदेव दत्त के हृदय में कि महाप्रभु भगवान का हृदय पिघल गया। हार्ट ऑफ द लॉर्ड इज मेल्टेड। तुम्हार विचित्र नहे तुम्ही साक्षात प्रहलाद, तुम्हारे ऊपर ही कृष्ण संपूर्ण प्रसाद। तो महाप्रभु बोलते हैं ये आपके लिए एस्टोनिशिंग नहीं है, आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आप साक्षात प्रहलाद महाराज के अवतार हो। प्रहलाद महाराज का प्रार्थना यही था, जब नरसिंहदेव आते हैं प्रहलाद महाराज को पूछते हैं क्या चाहिए, प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान जब तक ये दुनिया में लोग रहेंगे मुझे यहीं पर रहना है, मुझे भगवत धाम नहीं जाना है, मैं यहीं पर रहकर प्रचार करूंगा, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे हियर एंड प्रीच। प्रहलाद महाराज बोलते हैं बहुत सारे साधु संत हिमालय जाना चाहते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैं हिमालय नहीं जाऊंगा, मैं सिटी में जाऊंगा, लोगों के बीच में जाके प्रचार करूंगा। सो दिस वॉज द मूड ऑफ प्रहलाद। प्रहलाद महाराज का ये भाव था, जब तक एक ये दुनिया में एक भी व्यक्ति है तब तक मैं रहूंगा, उसकी मदद करूंगा भगवत धाम जाने के लिए। हमारे इस जैसे मैं भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में बोल रहा था, हमारे इस्कॉन में अभी कोविड पीरियड में परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, उन्होंने शरीर त्यागा, तो भक्ति चारू महाराज का यही भाव था, जब वो इंडिया से अमेरिका जा रहे थे, कोविड का फेज था, तो उनके शिष्य सब बोल रहे थे महाराज आप अमेरिका मत आइए प्रॉब्लम होगा, उस समय भक्ति चारू महाराज उनके क्लास में यही श्लोक बोलते हैं प्रहलाद महाराज के, और बोलते हैं नहीं ये हमारा धर्म है, उनको प्रचार करना है, रिस्क लेते हुए वी हैव टू प्रीच, ये भाव में भक्ति चारू महाराज अमेरिका प्रचार करने के लिए। सो महाप्रभु बोलते हैं ये आपके लिए आश्चर्य है ही नहीं, इट इज नॉट एट ऑल एस्टोनिशिंग, क्योंकि आप साक्षात प्रहलाद के अवतार हो, आपके ऊपर कृष्ण का पूरा प्रसाद है, तुम्हारे ऊपर है कृष्ण संपूर्ण प्रसाद, क्योंकि आपने भक्ति का सार समझ लिया है। और भक्ति का सार क्या है, जीवे दया कंपैशन टू लिविंग एंटिटीज, कृष्ण से ही सत्य करे यही मागे भृत्य, भृत्य वांचा पूर्ति विनु नाही अन्य कृत्य। तो जो भी भगवान के शुद्ध भक्त मांगते हैं कृष्ण डेफिनेटली पूरा करते हैं, कृष्ण से ही सत्य करे यही मांगे भृत्य, जो भगवान के शुद्ध भक्त मांगते हैं कृष्ण डेफिनेटली पूरा करते हैं, क्योंकि कृष्ण का और कुछ कार्य है ही नहीं, कृष्ण का क्या क्या कार्य है, भृत्य वांछा पूर्ति, कृष्णा इज ओनली वन वर्क, भक्तों की इच्छा को पूरा करना, बस कृष्ण का यही काम है। कृष्ण स्वयं अपना कार्य स्केड्यूल नहीं बनाते, भक्त जो इच्छा करते हैं कृष्ण उसी के अनुसार चलते हैं, कृष्णा जस्ट फॉलोज हिज डिवोटीज। ब्रह्मांड जीवेर तुमी वांचिले निस्तार, बिना पाप भोगे सबे होबे सबार उद्धार। तो महाप्रभु बोलते हैं आपका इच्छा था, आपका इच्छा है कि ब्रह्मांड के सब जीवों को उद्धार होना चाहिए, सबको गोलोक वृंदावन जाना चाहिए, तो डेफिनेटली कृष्ण पूरा करेंगे। तो ये है वैष्णव की प्रार्थना, प्रेयर ऑफ वैष्णवा। तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अन्य वैष्णव शुद्ध वैष्णव जाके हमारे लिए प्रार्थना करेंगे ना हमारा उद्धार होगा, वैष्णवों का प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है, कृष्ण के शब्दों से वैष्णवों का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु बोलते हैं आपका इच्छा है इन सबका उद्धार होना चाहिए, सबका उद्धार होगा, और आपको कष्ट भी भुगतने की जरूरत, आपको नरक जाने की जरूरत नहीं है। असमर्थ नहे कृष्ण धरे सर्व भल, तुमा के वा के न बुझाए भी पाप फल, कृष्ण असमर्थ नहीं है, कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, ये ब्रह्मांड का उद्धार क्या करना, कृष्ण तो पूरे सृष्टि का उद्धार कर सकते हैं, और आपको पाप भोगने की क्या जरूरत है, भगवान थोड़ी ना ऐसा करेंगे कि सबका उद्धार करके आपको नरक में छोड़ देंगे, कृष्णा विल नॉट डू दैट। तुम्ही यार हित वांचा सही हईला वैष्णव, वैष्णवेर पाप कृष्ण दूरे करे सब। तो महाप्रभु बोल रहे हैं आप जिसका कल्याण चाहते हो वो तुरंत वैष्णव बनता है, हुज वेलफेयर यू डिजायर इमीडिएटली बिकम्स अ वैष्णव। तो ये शुद्ध भक्तों की शक्ति है, दिस द पावर ऑफ अ प्योर डिवोटी, जो शुद्ध भक्त चाहते हैं जिसकी ओर वो दृष्टि डालते हैं जिसके लिए वो प्रार्थना करते हैं वो तुरंत वैष्णव होता है। और ऐसा व्यक्ति वैष्णव हो गया मतलब क्या, उसके सब पाप कार्य चले गए, राइट, ऑल इज रिजल्ट्स आर ओवर, सिंफुल रिएक्शंस आर टेकन अवे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि महाप्रभु बता रहे हैं
क्योंकि आपका प्रार्थना है कि सबका कल्याण होगा, ये प्रार्थना से ही सबका उद्धार हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार हो जाएगा, और आपको नरक भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी का कष्ट सहन करने की आपको जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद सेज हियर, हूएवर रिसीव्स योर कंपैशन बिकम्स अ वैष्णवा इमीडिएटली एंड कृष्णा डिलीवर्स ऑल वैष्णवास फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ देयर पास्ट सिंफुल एक्टिविटीज। जो भी वैष्णव की कृपा प्राप्त करता है तुरंत वैष्णव बनता है, और वैष्णव बनते ही सब पाप कार्य चले जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कृष्ण का प्रॉमिस है कि अगर कोई वैष्णव बन गया, कृष्ण का आश्रय लिया, तो कृष्ण वो सबके उनके जो पाप है कृष्ण भर लेते हैं। दिस इज कृष्णास प्रॉमिस। सो प्रॉपर राइट्स हियर, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजन फलोन्मुखान क्रमेणैव प्रलीयते विष्णुर्भक्ति रतात्मना। ये पद्म पुराण का श्लोक है जो शिला रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं। पाप के अलग अलग स्टेज है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सिन। बीज बीज के रूप में आता है, सीड के रूप में, कूट के रूप में, अप्रारब्ध प्रारब्ध फलोन्मुखान, डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे एक बीज होता है, आप बीज डालो धीरे धीरे पौधा उगता है, फल आता है, फल पकता है, तो वैसे पाप के अलग अलग लेवल्स हैं। पर यहाँ पे वर्णन है जो भगवान की भक्ति करता है क्रमेण वह प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना। जो भी पाप का स्तर है सब स्तर मिट जाएगा भगवान की भक्ति करने से, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कृष्ण की भक्ति का फल है या शक्ति है। और कृष्ण का भक्ति कैसे मिलता है? वैष्णव की कृपा से ही है कि नहीं? कृष्ण कृष्ण का भक्ति करेंगे तो सब पाप चले जाएंगे, पर कृष्ण का भक्ति कैसे मिलेगा? जब ऐसे शुद्ध वैष्णव प्रार्थना करते हैं, देन ओनली वन कैन गेट कृष्ण भक्ति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबरी में वर्णन करते हैं, भगवान कृष्ण भी अपना भक्ति नहीं देते किसी को, कृष्ण का भक्ति देने का अधिकार वैष्णवों को ही है। वैष्णवों की करुणा से ही व्यक्ति को कृष्ण भक्ति मिलता है, और कृष्ण भक्ति भगवान का आश्रय लेने के बाद सब पाप चले जाते हैं। और महाप्रभु ब्रह्म संहिता का ये श्लोक बोलते हैं, यस्त्विंद्र गोपम अतवेंद्र हो स्वकर्म बंदान रूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं वो गोविंद को बार बार प्रणाम करता हूं जो हर व्यक्ति के कर्म को निकाल देते हैं या कर्म को समाप्त करते हैं। यस्त्विंद्र गोपम अतवेंद्र हो स्वकर्मा बंदान रूप फल भाजनम आतनोति। इंद्र गोप करके कीड़ा होता है, छोटा सा कीड़ा है, रेड कलर इंसेक्ट, इंद्रगोप। और इंद्र तो ये श्लोक में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, एक इंद्रगोप, एक कीड़े से लेके इंद्र तक हर व्यक्ति कर्म में बंधा हुआ है। बंधान रूप फल भाजन मातनोति, एवरीवन इज एंटैंगल्ड इन कर्म। पर अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, निर्दहति करते हैं डिस्ट्रॉयस। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, गोविंद की भक्ति करते हैं, ऑल कार्मिक रिएक्शंस आर डिस्ट्रॉयड, सब कर्म के बंधन टूट जाते हैं। तुम्हार इच्छा मात्रे अबे ब्रह्मांड मोचन सर्वमुक्त करीते कृष्णेर नाही किचु श्रम। तो महाप्रभु बोलते हैं सिर्फ आपके ये हॉनेस्ट डिजायर, सो प्रॉपर यूजेस अ वेरी नाइस वर्ड, हॉनेस्ट डिजायर, प्रामाणिक प्रार्थना। इच्छा तो बहुत होते हैं, एक प्रामाणिक इच्छा होता है। जनरली ये दुनिया में हमारा इच्छा हमारे लिए होता है, पर जब भक्तों के हृदय में एक प्रामाणिक इच्छा होता है प्रचार करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, डेफिनेटली भगवान पूरा करते हैं। तो महाप्रभु बता रहे हैं क्योंकि आपका ये प्रामाणिक इच्छा है कि जीवों का उद्धार होना चाहिए, कृष्ण बहुत आसानी से कर लेंगे। कृष्ण को ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, ब्रह्मांड में लाखों अरबों जीव हैं, इन सबका उद्धार करना नॉट डिफिकल्ट फॉर कृष्णा, वेरी इजी फॉर कृष्णा। एक उडुम्बर वृक्षे लागे कोटि फले कोटि ये ब्रह्मांड बाजी विरजार जले। तो महाप्रभु उपमा देते हैं, एक उडुम्बर वृक्ष होता है, ये उडुम्बर वृक्ष में हजारों लाखों फल होते हैं। तो वैसे ही विरजा नदी में, विरजा नदी का अर्थ है कारण सागर। तो प्रभुपाद लिखते हैं आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक विरजा नदी बहती है, इसको कारण सागर बोलते हैं, जहां पे कारणोदक्षाय विष्णु लेटे हैं और करोड़ों ब्रह्मांड हैं तैर रहे हैं। तो जैसे उडुम्बर वृक्ष में हजारों छोटे छोटे फल हैं, तो वैसे विरजा नदी में लाखों अरबों ब्रह्मांड हैं।
तार एक फल पड़ी यदि नष्ट है, तथापि वृक्ष नाही जाने निज अपचय। इमेजिन करो, एक उड़ंबर वृक्ष है, उसमें करोड़ों फल है, एक फल नीचे गिर गया तो वृक्ष रोएगा क्या? अरे एक फल चला गया, एक फल चला गया, वृक्ष क्यों रोएगा? अरे करोड़ों फल है, एक फल चला गया तो क्या प्रॉब्लम है? तो वैसे महाप्रभु बोल रहे हैं, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, अरबों ब्रह्मांड हैं, वासुदेव दत्त के प्रार्थना से एक ब्रह्मांड के जीव सब भगवत धाम चले जाते हैं तो कृष्ण रोएंगे क्या कि एक ब्रह्मांड में खाली हो गया, सीट्स खाली है, क्या करूं? कृष्ण को रोने की आवश्यकता नहीं है, देयर आर अनलिमिटेड ब्रह्मांड्स। तैचे एक ब्रह्मांड यदि मुक्ति है तबु अल्प हानि कृष्णेर मन नाही लय। तो वैसे ही एक ब्रह्मांड खाली हो गया, सब जीव भगवत धाम चले गए, मुक्त हो गए, तो कृष्ण के लिए बड़ी बात नहीं है। देर इज नो हानि, अल्प हानि, देर इज नो, कृष्ण के लिए कुछ नुकसान नहीं है। कृष्ण सीरियसली भी लेते, कृष्ण के लिए बहुत छोटा चीज है। अनंत ऐश्वर्य कृष्णेर वैकुंठादि धाम, तार घड़ काई करणाब्दि यार नाम। तो कृष्ण के जो वैकुंठ है, अनंत ब्रह्म लोक है वैकुंठ में, लेकिन और यह तो भौतिक दुनिया तो बहुत छोटा है, राइट? और ये जो कारण सागर है वैकुंठ लोक को, वैकुंठ लोक के इर्द गिर्द घूमता है। ताते मासे माया लान अनंत ब्रह्मांड, घड़ काईते मासे ये न राई पूर्ण भांड। तो महाप्रभु ने एक उपमा दिया उड़ुम्बर वृक्ष का, है कि नहीं? उड़ुम्बर वृक्ष में करोड़ों फल हैं, एक फल गिर गया तो उड़ुम्बर वृक्ष को कुछ नुकसान नहीं है। तो वैसे ही एक ब्रह्मांड के लोग भगवत धाम चले गए वासुदेव दत्त के प्रार्थना से, तो कृष्ण को फर्क नहीं है। अभी महाप्रभु और एक उपमा दे रहे हैं। इमेजिन करो, जैसे हम वर्णन कर रहे हैं, भगवान का वैकुंठ लोक है, अनंत लोक है वैकुंठ लोक में, उसके इर्द गिर्द ये कारण सागर घूमता है, ठीक है? इमेजिन करो, ये कारण सागर में एक मटका है। आप इमेजिन करो, ये भौतिक दुनिया क्या है, कारण सागर में एक मटका है, और वो मटके में राई के दाने हैं, मस्टर्ड सीड, ठीक है? इन ओशन एक मटका है, उसमें राई के दाने हैं। तार एक राई नाशे आनी नाही मानी, ऐचे एक अंड नाशे कृष्णेर नाही आनी। तो इमेजिन करो, एक मटका है, उसमें राई के दाने हैं, मस्टर्ड सीड। एक मटके में कितने राई के दाने होते हैं, गिन भी नहीं सकते। एक राई का दाना गिर गया नीचे, हम रोएंगे क्या? चला गया एक राई का दाना, यू डोंट क्राई लाइक दैट, क्योंकि राई के दाने तो लाखों हैं। तो वैसे ही एक ब्रह्मांड खाली हो गया, भगवत धाम चले गए हैं, कृष्ण के लिए बड़ी बात नहीं है। तो महाप्रभु इस तरह से दो उपमा देते हैं। सब ब्रह्मांड सह यदि माया रहय क्षय, तथापि न माने कृष्ण किचु अपचय। तो महाप्रभु बोलते हैं, एक ब्रह्मांड का क्या बोलता, अगर सब ब्रह्मांड भी खाली हो गए, सब ब्रह्मांड भी नाश हो गए, कृष्ण के लिए ये बड़ा चीज नहीं है, इट इज नॉट अ बिग लॉस फॉर कृष्णा। कोटि काम देनु पतिर चागे यही च मरे, सड ऐश्वर्य पति कृष्णेर माया की ब करे। इमेजिन करो, किसी व्यक्ति, अभी महाप्रभु तीसरा उपमा दे रहे, थर्ड एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल महाप्रभु ने उड़ुम्बर वृक्ष का दिया, दूसरा राई के दाने के मटके का, अभी तीसरा उदाहरण महाप्रभु दे रहे हैं। इमेजिन करो, किसी के पास करोड़ों कोटि कामधेनु गाय है, क्रोर्स मिलियंस ऑफ कामधेनु काउस, और एक जो बकरी है वो मर गया या वो चला गया, भाग गया, व्यक्ति को नुकसान होगा क्या? कोटि कामधेनु गाय है, साधारण गाय नहीं, कामधेनु गाय है, एक बकरी चला गया, प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वैसे कृष्ण षड ऐश्वर्य पति, कृष्ण कोटि कामधेनु के पति नहीं है, षड ऐश्वर्य पति है, पूरा ब्रह्मांड भी समाप्त हुआ, पूरा ब्रह्मांड का भी नाश हुआ, तो कृष्ण के लिए प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर कृष्ण। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो लोग कृष्ण से विमुख होके जीते हैं इनको बोलते हैं कृष्ण बहिर्मुख। तो ऐसे बहिर्मुख जीव के लिए भगवान ब्रह्मांड बनाते हैं, सृष्टि करते हैं, ताकि लोगों को अवसर मिले भगवत धाम जाने के लिए। और ये भगवत धाम जाने का तरीका है कि अगर हम भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लेंगे, उनके संग में आएंगे, और उनके प्रार्थना से हमारा कर्म समाप्त होगा और हम भगवत धाम जाएंगे, राइट? सो लाइक दैट महाप्रभु टेल्स, जय जय जही अजाम अजीत जोश ग्रीवीत गुणान,
असि यद आत्मन समवरूद समस्त भगः अग जगत ओकसाम अखिल शक्ति अवो अवबोधकते क्वचित अयजात्मत चरतो नुरुचि निमग्नः। सो दिस इज 10th कैंटो भागवतम। तो महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं कि कृष्ण जो सर्वशक्ति के स्वामी हैं, और भगवान कृष्ण जो है ये एक्चुअली वेद के प्रार्थना है, श्रुति जो है भगवान कृष्ण की गुणगान कर रहे हैं। तो वेद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप सर्वशक्ति के स्वामी हो, आप कृपा करके आपके अंदरूनी शक्ति का दर्शन कराइए और ये जो अज्ञान है इसको मिटाइए, क्योंकि अज्ञान की वजह से लोगों को भय उत्पन्न होता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं भयम द्वितीय अभिनिवेशता स्यात्। भय कब उत्पन्न होता है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं और दूसरा अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तब भय होता है, यानी फॉरगेट कृष्णा। जैसे आप अंधेरे रूम में प्रवेश करेंगे कुछ दिखता नहीं, भय होता है, पर स्विच ऑन करेंगे भय चला जाएगा। वैसे जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं प्रकाश चला जाता है, वो अज्ञान में वो अंधकार में भय उत्पन्न होता है। तो श्रुति जो है वेद जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ये अज्ञान के वजह से व्यक्ति को भय उत्पन्न होता है, इसलिए कृपा करके आप ये अज्ञान को मिटाइए, क्योंकि आप षड ऐश्वर्य पूर्ण हो, आप माया के स्वामी हो और आप चाहिए तो अंदरूनी शक्ति से आपके भगवत धाम का दर्शन करा सकते हो। सो लाइक दिस दे ग्लोरीफाई कृष्णा। तो ये जो श्लोक है महाप्रभु बता रहे हैं, और महाप्रभु बोल रहे हैं ये ऐसे प्रार्थना करने से जो माया बहुत शक्तिशाली है कट जाता है। तो ये प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, माया बहुत शक्तिशाली है, पर अगर हम प्रार्थना करेंगे भगवान के सामने कि ये माया को हटाइए, तो भगवान की कृपा से ये माया हट जाएगा। ए मत सर्व भक्तेर कही सब गुणा सबारे विद्याए दिला करी आलिंगन। इस तरह से महाप्रभु हर भक्तों का गुणगान करता है, ही ग्लोरीफाइज ऑल द डिवोटीज, और सब भक्तों का आलिंगन करके उनको विद्या ही विदाई देते हैं, ही सेंड्स देम अवे। प्रभुर विच्छेद भक्त करे न रोदन भक्तेर विच्छेद प्रभु विसन्न हैलम। तो दोनों को बुरा लग रहा है, महाप्रभु भी नहीं चाहते कि भक्त जाएं और भक्त भी नहीं चाहते महाप्रभु को छोड़ के जाएं, पर क्या करें, प्रचार करना है, आंदोलन को आगे बढ़ाना है, यू हैव टू प्रीच। तो प्रचार कार्य करने के लिए ये सब करना पड़ता है कि नहीं? जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करते हैं, महाप्रभु संन्यास क्यों लेते हैं? प्रचार करने के लिए, लाइक दैट। तो महाप्रभु इन सब भक्तों को भेजते हैं, आप जाके अपना अपना कार्य करो। तो सब भक्त रोने लगते हैं महाप्रभु से, महाप्रभु को छोड़ते हुए विरह में, और महाप्रभु भी दुखी होते हैं। तो ये है प्रेम, दिस इज लव। दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है, भगवान और भक्तों में। तो यहाँ पे हम ये अध्याय को आज की कथा को विश्राम देंगे। कल हम देखेंगे कि कैसे महाप्रभु, एक्चुअली ये अध्याय है सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को अपने घर बुलाते हैं प्रसाद के लिए। तो अब तक ये प्रसंग शुरू नहीं हुआ है। अब तक क्या देखा हमने ये अध्याय में, ये 4 महीना क्या क्या उत्सव होते हैं, महाप्रभु अपने भक्तों के साथ अलग अलग उत्सव मनाते हैं, और महाप्रभु फाइनली नित्यानंद प्रभु के साथ कंसल्ट करके सब भक्तों को बोलते हैं आप अभी चले जाइए, वापस अगले साल आइए। तो जाते हुए महाप्रभु हर भक्तों का गुणगान करते हैं, हर भक्तों को आज्ञा देते हैं इत्यादि। अभी कल से हम एक्चुअली ये अध्याय का जो एक्चुअल टॉपिक है, सर्वम भट्टाचार्य कैसे महाप्रभु को अपने घर बुलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, दैट वी विल सी फ्रॉम टुमारो। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से गौर कथा सुनाया। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। हाँ यस, आपसे भक्तों से विनती है, आप आज की क्लास रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या अनुमोदन है तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी से पूछ सकते हैं। नवीना राधा माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद, आप बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया आपने, बहुत ही अच्छा कथा सुनाई। मुझे एक क्वेश्चन था, आपने बोला कि भगवान खुश होते हैं जैसे डिवोटीज की ग्लोरिफिकेशन किया जाए। हमें मालूम, सबको मालूम है, पर हम उसको प्रैक्टिकल कैसे लेके आए प्रभु जी? जैसे कोई भक्ति में आगे बढ़ता है, हम कंपटीशन की भावना में आ जाते हैं, और या फिर हमको ग्लोरिफिकेशन करने लगते हैं तो उनकी नेगेटिविटी देखने लग जाते हैं। उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाया जाए?
सब हम पढ़ते हैं पर हम उसको प्रैक्टिकल नहीं उतार सकते, तो इसलिए। हाँ यस, बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन है, सिंसियर जी क्वेश्चन है। यस, हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हमारे लिए स्वाभाविक है, नेचुरल है निंदा करना। भक्तों के अंदर दोष देखना है तो हम उसके ऊपर पुस्तक लिख सकता है, कौन से भक्तों के अंदर क्या दोष है। गुणगान करना मतलब इट्स एक्चुअली अ चैलेंज, राइट? ये हमारे लिए चैलेंज है, पर हमको करना है धीरे धीरे। तो कैसे करें स्टार्ट समथिंग? छोटे से छोटे चीज में यू कैन अप्रिशिएट, इट कैन बी अ रेगुलर हैबिट एक्चुअली, रोज किसी ना किसी भक्त को अप्रिशिएट करना, धन्यवाद बोलना, वी कैन ट्राई लाइक दैट। और जो आनंद है भक्तों के गुणगान करने में, वो आनंद का आस्वादन जब हम करेंगे, अपना गुणगान हम भूल जाएंगे एक्चुअली। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो दिस इज अ वेरी इजी वे, ये बहुत सरल तरीका है। भक्तों का गुणगान करो, अप्रिशिएट डिवोटीज, भक्तों की निंदा मत करो। तो कैसे करें? जस्ट शुरू कीजिए, स्टार्ट समवेयर। कभी कभी हम वो दिन के लिए रुके रहते हैं, एक दिन आएगा जब हम करेंगे, वो दिन नहीं अभी से करना है। मैं एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक में, हम सब जानते हैं थोड़े दिन पहले परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज ने अपना शरीर त्यागा, भगवत धाम चले गए। पर वो इंसिडेंट होने से पहले, एक महीने पहले, बीबी गोविंद महाराज गोपाल कृष्ण महाराज से मिलने के लिए गए थे, दिल्ली में मिलने के लिए गए थे। और बीबी गोविंद महाराज का फेसबुक का एक पोस्ट है, तो महाराज गोपाल कृष्ण महाराज से मिलते हैं और उनको बहुत प्रशंसा करते हैं। और महाराज उन्होंने एक्चुअली गोपाल कृष्ण महाराज को बताया कि महाराज जी, आपने जो अचीव किया है कोई भी अचीव नहीं कर सकता, आपने इतना प्रचार किया है प्रभुपाद के लिए, इतना अचीव किया है। तो बीबी गोविंद महाराज बोलते हैं वो फेसबुक के पोस्ट में, जब अवसर मिले तब गुणगान करना सही है, क्योंकि व्यक्ति के जाने के बाद गुणगान करना बहुत अच्छा है, पर उपस्थिति में गुणगान करना सही होता है। तो ऐसा नहीं कि वो एक अपोच टाइम के लिए रुके थे, जब महाराज का व्यास पूजा होगा तब आके गुणगान करूंगा, अकस्मात पहुंच गए और उन्होंने किया। सो देर इज नथिंग रॉन्ग, वी शुड ट्राई इट एक्चुअली। जब भी हम भक्तों से मिलते हैं, या कभी कभी सिर्फ मिल उनका गुणगान, उनका प्रशंसा करने के लिए ही जाना चाहिए। सो आई थिंक वी शुड इनकलकेट दिस हैबिट, एक हैबिट के रूप में अगर हम ये करेंगे। कोई एक भक्त उनको बता रहते हैं कि सक्सेसफुल व्यक्ति का एक रूल होता है, 30 सेकेंड अप्रिसिएशन, रोज एटलीस्ट 30 सेकेंड के लिए किसी न किसी को अप्रिशिएट करना, अप्रिशिएट समवन इन अ डे, किसी न किसी को अप्रिशिएट करो। तो अगर ये हैबिट के रूप में बनेगा ना, सो देन इट कैन प्रोबेबली हैपन। तो हम महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं एक्चुअली, जो आप बोल रहे हो सही है, सुनना आसान है, इसके बारे में बोलना आसान है कि प्रशंसा करना चाहिए, बट एक्चुअली करना मुश्किल होता है। तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में ये भाव उत्पन्न हो, राइट? और हम ये कर पाए, वी कैन डू दिस। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच प्रद्युम्न प्रभु जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, अचिल गोपाल प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। बहुत वेलकम। आनंद हुआ आपने बताया कि भक्तों का एप्रिसिएशन करना ही चाहिए, ये तो हमारा धर्म है प्रभु जी, आचार है, यस, वैष्णवों का आचार में है, एप्रिसिएट ऑल दिस भक्त, यू नो, उस भक्तों की कृपा बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भक्तों का एप्रिसिएशन, ये तो पार्ट ऑफ इन अवर लाइफ, यू नो। बहुत आनंद हुआ प्रभु जी, आपने अच्छा बताया। जय राधे श्याम। तो हम सबको प्रद्युम्न प्रभु का अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रभु जी इतने सीनियर वैष्णव हैं, फिर राधे राधे भी राधे हमसे सुनते हैं कथा, सिंसियरली। हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी। कीर्तिदा दुलारी माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। हरे सब जी, बहुत सुंदर आपने कथा किया। थैंक यू पार्थसारथी फाउंडेशन जस्ट ज्वाइन थ्री क्लासेस। प्रभु जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं तो चौकन्नी रही, बहुत सुंदर कथा कर रहे हैं, बहुत सुंदर। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में आपने जैसे गंगा और यमुना के बारे में थोड़ा सा बोला, तो प्रभु जी हमें गंगा आपने बताया, जैसे गंगा और तारु ब्रह्म जल ब्रह्म में भगवान आते हैं, तो हमें जैसे अभी लेटेस्ट हमारे घर में भी दो विसर्जन हुए, एक गंगा में हुआ है क्या हमारा में, तो व्हाट इज बेस्ट कि हमें अपने शरीर का अस्थि विसर्जन गंगा करने जाना चाहिए या यमुना? प्लीज यस, गाइड। दोनों में कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं है। मेरे मन में भी कभी कभी होता है कहाँ करना चाहिए। गंगा भी यमुना भी श्रेष्ठ है, वृंदावन धाम में यमुना बहती है,
पर गंगा भी श्रेष्ठ है, मायापुर गंगा में करना भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है, पर आई फील हमारे लिए गौड़ी वैष्णव के लिए मायापुर गंगा आई थिंक इज मोर मोर सुपीरियर, क्योंकि महाप्रभु सबसे करुणाशाल करुणाशील अवतार है। देन इफ यू कैन डू इट इन गंगा, पर कभी कभी होता है यू कैन डू हस्ती विसर्जन इन बोथ प्लेसेस। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अभी थोड़े समय पहले, एक 7 8 9 महीने पहले उनके पिताजी का देहांत हुआ था, तो महाराज ने उनके हस्थि को गंगा और यमुना दोनों में बहाया। महाराज जी वृंदावन गए, वहां पे भी उन्होंने पिता के अस्थि को जोड़ा, और महाराज जी मायापुर जाके वहां पे भी उन्होंने अपने पिता के अस्थि को जोड़ा। तो बोथ इज पॉसिबल, दोनों संभव है। तो हमेशा मैं जब भी किसी के, हमारे कनेक्टर जितने भी भक्त हैं उनके घर में किसी का तिरभाव होता है, मैं उनको एक्चुअली रिक्वेस्ट करता हूँ कि हस्ती रखना और दोनों जगह पे करना, पॉसिबल डू इट इन बोथ प्लेसेस, तो देन तो जिंदगी सफल है एक्चुअली। एक और क्वेश्चन था, जैसे मुकुंद दत्त जी को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि राम के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही बताया ना आपने शायद, कि पुरानी राम की गुप्ता भक्ति मुरारी सॉरी सी, कि आप कृष्ण की भक्ति के और जुड़े, तो हम जैसे नॉर्मली हम प्रचार करते हैं, मेरे घर में भी काफी है जो राम जी के ही भक्त हैं, मैं तो कृष्ण कृष्ण के लिए बोलती रहती हूँ, कुछ कुछ करती रहती हूँ, बट प्रभु जी इज इट राइट टू मतलब टेल देम टू, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल्स में गुरु महाराज ने राम दरबार भी दिया, कृष्ण दरबार भी दिया, मायापुर भी स्थापित किया, कैसे मतलब मेरा खुद का भी है कि मतलब मुझे तो कृष्ण से ही है, इवन मतलब मैं चाहती हूँ तो सबसे ज्यादा कृष्ण के आगे ही खड़ी होती, बट इज इट रॉन्ग, मतलब एक फीलिंग हमारी, एक अटैचमेंट कृष्ण की तरफ है, एक की राम की तरफ है, तो हम उसको खींच के लेकर आए उनको और उधर लेकर, आप थोड़ा सा गाइड करें इस चीज़। इट्स नॉट रॉन्ग, डेफिनेटली इट्स नॉट रॉन्ग, हाउ कैन वी से इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग। तो सॉरी महाप्रभु तो बोल रहे हैं धन्य है कि अगर किसी को भगवान राम के चरण पे आ सकती है तो हम नहीं है। तो भगवान ने हर व्यक्ति को इच्छा दिया है, किसी को राम के प्रति आसक्ति होता है, किसी को कृष्ण के प्रति आसक्ति होता है, किसी को थोड़े भक्त होते हैं जो नरसिंहदेव के बहुत महान भक्त हैं, राइट, उनके घर में नरसिंहदेव होते हैं, दे लव रियल, उनको नरसिंहदेव से बहुत प्रेम, तो लाइक दैट। तो भगवान ने ये अपॉर्चुनिटीज तो दिया है हम सबको, अलग अलग ऑप्शंस हैं, फिर भी अकॉर्डिंग टू हमारे गौड़ीय वैष्णव धर्म के अनुसार हम, हमारा सिद्धांत बहुत क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग हम आगे देखेंगे चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पे महाप्रभु का संवाद रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इन सबसे होता है। तो महाप्रभु क्लियरली वर्णन करते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, क्योंकि कृष्ण के लीलाएं मधुर हैं, कृष्ण के जो भक्तों के साथ संबंध है वो मधुर है, ऑल दैट इज डेफिनेटली देयर, बट वो बोलने के बाद अल्टीमेट फ्रीडम इज विद डिवोटीज, फिर भी किसी को राम के प्रति आ सकती है, प्लीज कैन एवरीवन कैन प्लीज कंटिन्यू, देयर इज नो इशू लाइक दैट। और जैसे करुणा अवतार में जैसे पंचतत्व में हम महाप्रभु को करते हैं, तो एक आता है कि सिर्फ कृष्ण तो है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बताया, बट सिर्फ महाप्रभु की भी भक्ति मैं देखा कई बार, सिर्फ महाप्रभु महाप्रभु बहुत ज्यादा मतलब आसक्त है महाप्रभु की भक्ति, उसी या वजह दैट इज परफेक्ट, या परफेक्ट, इसलिए महाप्रभु ने ये षडभुज रूप दिखाया ना, दो हाथ कृष्ण के, दो हाथ राम के, दो हाथ महाप्रभु के, सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, इधर जी। वे इज गुड। क्वेश्चन मुझे एक और था, लास्ट में आपने बताया कि वेद में जो प्रार्थना करते हैं भगवान का, तो ऋतु वेद और ये अलग अलग वेद की बात आप कुछ बता रहे थे, वो क्लियर नहीं हुआ मुझे मैं क्या बता लास्ट में रहा ही, आपने श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो से कुछ बताया कि वेद में भी प्रार्थना करते हैं था? कि हमारे अज्ञान को हटाएं, तो सेट की व्यक्ति के अंदर जो भय उत्पन्न हो जाता है समाप्ति के हाँ लिए, ऐसे करके कुछ बता रहे थे, चीज हाँ 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 क्लियर नहीं हो पाई। वो क्लियर नहीं, ओके। सो प्रभुपाद बता रहे हैं बेसिकली कि हम सब ये दुनिया में फंसते हैं, तो प्रभुपाद बेसिकली बता रहे हैं कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंदरूनी शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, है कि नहीं? ये तो हम सब जानते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल मार्जिन। तो हम सब ये दुनिया में आते हैं क्योंकि हमने भगवान को भूल लिया है, वी आर फॉरगॉट कृष्णा,
तो ये भागवतम का श्लोक है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं तब माया के वश में आते हैं, राइट? व्हेन यू फॉरगेट कृष्णा वी कम फेस टू फेस विद माया। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं, जैसे सूरज है, हमने सूरज को पीठ दिखाया तो सामने हमारा शैडो दिखता है, छाया दिखता है। तो वैसे ही जब बद्ध जीव कृष्ण को बहिर्मुख होते हैं, कृष्ण को पीठ दिखाते हैं, सामने माया होती है, डार्कनेस, अंधकार होता है, डरावना होता है, लग दैट। तो इसलिए बद्ध जीव जो है हमेशा भयभीत रहता है, ही इज ऑलवेज फियरफुल। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, अगर हम कृष्ण की ओर मुड़ेंगे फिर से, इफ वी ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्ण से प्रार्थना करते हुए, भक्ति करते हुए, तब हम धीरे धीरे भगवत धाम जाएंगे, लाइक दिस। तो इस तरह से श्रुति जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप अलग अलग लीलाएं करते हैं, कभी अंदरूनी शक्ति के साथ लीलाएं करते हैं, कभी सृष्टि का रचना करते हैं। तो प्रभुपाद महाप्रभु बेसिकली ये श्लोक बताते हैं ये बताने के लिए कि भगवान जो है ये सृष्टि का निर्माण करते हैं, ये भी भगवान का लीला है, सृष्टि लीला, ताकि लोगों को अवसर दें भगवान की ओर मुड़ने का। तो प्रभुपाद बहुत जगह तात्पर्य में, स्पेशली सेकेंड कैंटो, थर्ड कैंटो, जहाँ पे भी सृष्टि के निर्माण का वर्णन है, प्रभुपाद बहुत जगह पर लिखता है द पर्पस ऑफ क्रिएशन इज टू गेट कनेक्टेड बैक टू कृष्णा। ये समझना कि हमने गलती किया ये दुनिया में आके भगवान को भूल के, धीरे धीरे भगवान की ओर जाना, भगवत धाम जाना ही सृष्टि का लक्ष्य है, पर्पस है, हेतु है। थैंक यू माता जी। प्रभु जी, मेरा दो क्वेश्चन है, अगर आपके पास समय रहेगा तो आई कैन आस्क यू टुडे, अदरवाइज आई विल आस्क यू टुमारो। नहीं, वी कैन आस्क टुडे। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने बताया कि वो विरजा नदी स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड को कनेक्ट करती है, तो प्रभु जी जैसे मैंने एक बार आप आपसे ही सुना था या किसी से, मतलब वो गौर कथा में ही सुना था कि वो एक होता है ना बैतरणी नदी, वो भी, नहीं हाँ, या बैतरणी स्पिरिचुअल एंड मटेरियल को कनेक्ट करती है, तो वो मतलब वो सेम है, या चेतन सेम तो नहीं है चेतन डेफिनेटली। मतलब भी आता है, आई थिंक इट इज सेम, इट इज सेम। ओके, इट इज सेम। और एक क्वेश्चन था प्रभु जी, ये मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी उद्दंडता है ये, बट प्रभु जी ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था आपने जब कथा में बताया, तो मेरे को क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, बस ये जिज्ञासा था कि वो आपने एक महाराज जी का बोला ना कि या आई नो इट इज आउट ऑफ कंपैशन, बट उन्होंने जैसे वो सबका पाप अपने ऊपर लिया, तो प्रभु जी ये थोड़ा सा मतलब ये मतलब लेस इंटेलिजेंस नहीं है क्या, क्योंकि बाद में तो जीव तो बार बार पाप करते हैं, तो अपने ऊपर ले लिया, खुद इतना कष्ट क्यों उठाया जब ऑलरेडी दे आर टेकिंग, मतलब ये कंपैशन है डेफिनेटली, बट दिस इज ऐसा लाइक है या तो ये वासुदेव दत्त का भी वही प्रार्थना है या तो ऐसा लग सकता है ये पागलपन है, बट या कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मैडनेस ओनली, ये पागलपन ही है। महाप्रभु भी वैसे ही पागल थे, महाप्रभु भी संन्यास ले लिया, परिवार को छोड़ दिया, कौन छोड़ेगा उसे। सो कंपैशन प्रीचिंग मतलब एक एक पागलपन होता है अदरवाइज। सो प्रभुपाद से रिस्क, इसलिए प्रभुपाद बता रहे ना, डिवोटीज वैष्णव वो हैं जो रिस्क लेते हैं प्रचार करने के लिए। सो इट्स ऑल रिस्क ओनली, प्रीचिंग इज ऑल रिस्क ओनली, है कि नहीं? सो पागलपन है यस, जो भगवान से प्रेम होता है तो नेचुरली दूसरों के प्रति दया दिखाने का पागलपन होता है। भक्ति तीर्थ महाराज, ये प्रार्थना तो छोड़ो, भक्ति तीर्थ महाराज का पूरा लाइफ एडवेंचर का लाइफ था। हम भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में बोलेंगे तो 2-3 घंटा ऐसे ही बोल सकते हैं। तो भक्ति तीर्थ महाराज पहले से बचपन से एक स्पोर्ट्समैन थे, एडवेंचर स्पिरिट था। तो भक्ति तीर्थ महाराज जब प्रचार भी करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे, एडवेंचर के रूप में किया उन्होंने, रशिया कम्युनिस्ट कंट्री में जाके भक्ति तीर्थ महाराज पुस्तक वितरण करते थे। उस समय कम्युनिस्ट कंट्री में पुस्तक वितरण करना, गीता वितरण करना मतलब जेल या मार देते थे सीधा, दिस वॉज इज लाइफ। तो भक्ति तीर्थ महाराज का पूरा जिंदगी रिस्क का जिंदगी रहा है। एक बहुत ओके फनी कहानी है, देयर इज अ फनी स्टोरी। भक्ति तीर्थ महाराज एक बार जगन्नाथपुरी गए थे, आप लोग जगन्नाथपुरी जानते हो, जगन्नाथपुरी मंदिर में ना ओनली इंडियंस आर अलाउड, सिर्फ हिंदूज, वो भी हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड। भक्ति तीर्थ महाराज इज एन एफ्रो अमेरिकन, तो भक्ति तीर्थ महाराज के हृदय में उठा मुझे जाके जगन्नाथ को देखना है। तो वो साउथ इंडियन एक लुंगी वगैरह पहन के, क्योंकि एफ्रो अमेरिकन भी ना थोड़ा साउथ इंडियन की तरह दिखते हैं,
भक्ति तीर्थ महाराज घुस गया अंदर मंदिर के अंदर, और जब गए जगन्नाथ जी का दर्शन किया उन्होंने, जब बाहर आए एक पांडा को समझ में आ गया गड़बड़ है, ये अमेरिकन बाहर का व्यक्ति है। भागते हुए इतने लोग भागे भक्ति तीर्थ महाराज के पीछे, भक्ति तीर्थ महाराज भाग के मंदिर के बाहर छलांग लगा के निकल गए। सो इज लाइफ इज अ लाइफ ऑफ एडवेंचर ओनली। तो ही इज अ वेरी ग्रेट सोल, तो उनका ये प्रार्थना है, ही प्रेड लाइक दिस सिंसियरली। तो हम ऐसे महान भक्तों को क्या समझे, वी कांट अंडरस्टैंड दीज ग्रेट डिवोटीज। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी तो अभी तो और कोई हैंड रेस नहीं है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम इस सत्र को यहीं पर विराम दे सकते हैं? हाँ प्रभु जी, एक एक छोटा इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ने बताया है कि गौड़ीय भक्तों के लिए यमुना जी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी रादर देन गंगा जी, क्यों? ओके, बिकॉज लॉर्ड कृष्णा डिड फर्स्ट लीला विथ यमुना महारानी व्हेन ही इज यू नो व्हेन वासुदेव इज आफ्टर टेकिंग टू द नंदगांव, करेक्ट गोकुल में ले जाते हैं भगवान को, तो भगवान ने फर्स्ट लीला यमुना जी से किया था। तो ठीक प्रभुपाद है, जी सेड वी हैव टू यू नो यमुना इज फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल वैष्णव गौड़ीय वैष्णव, ऑल राइट? मॉडर्न यस यस यस। यस हरे यस कृष्णा, जय राधे। प्रद्युम्न प्रभु सेज, हरे थैंक यू सो कृष्ण मच प्रद्युम्न प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस वी कैन वाइंड अप प्रभु जी, अगर आपके आ क्या हो तो। यस यस, श्रील प्रभुपाद की जय। हे श्री सच्चिद गोपाल प्रभु जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय। अच्युत गोपाल प्रभु जी की जय। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी।